दो दिनों से हम लोगों की मांग रही है, मांग के हम लोगों का अधिकार है और नियमावली के हिसाब से 43 नियमावली अगर देखा जाए तो हम प्रस्ताव रख सकते हैं चर्चा कराने की किसी भी विषय पर। हम लोगों की मांग थी कि भाई चर्चा होनी चाहिए, जो अग्निपथ स्कीम जो लॉन्च किया गया है इसको लेकर के, क्योंकि अग्निपथ जो स्कीम जो लॉन्च किया गया है ये साफ तौर पे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है, एक नेशनल सिक्योरिटी का भी सवाल है और कई ऐसे नौजवान जिन्होंने रिटन परीक्षा बाकी रह गया है और फिजिकल और मेडिकल पास कर लिया, जो ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं उनको फिर से जो है शुरुआत करनी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए हम लोगों ने तो राजभवन मार्च किया ही था, लेकिन हम लोग चाहते थे कि भाई अपनी बात को इस लोकतंत्र के मंदिर में सरकार के अधीन रख सके और सरकार क्या विचार रखती है इस पे बात हो सके। कार्य मंत्रणा की भी बैठक हुई है आज और कल, लेकिन बार बार हम लोगों के प्रस्ताव को जो है नामंजूर कर दिया गया। अब बोला जाता है कि भाई ये केंद्र का मामला है, जब स्टेट होगा ही नहीं तो केंद्र कैसा, जब स्टेट है तब ना केंद्र है। और बोला जाता है कि ये बिहार का मामला नहीं है, आप लोग सब लोग जानते हैं तो पूरा देश का मामला है, सही बात है, लेकिन आप ये बताओ जो नौजवान अपने भविष्य की चिंता में परेशान थे, उग्र हो गए, आज उन पे मुकदमा हुआ, वो बिहार के सलाखों के जेल के सलाखों के पीछे, तो ये बिहार का मामला है। FIR कौन कर रहा, बिहार प्रशासन कर रहा, रखा कौन है? तो इस पे तो हम लोगों की मांग भी थी गवर्नर साहब से जब हम लोग मिले थे और सरकार से भी हम लोग यही बहस करके मांग भी रखना चाहते थे कि जो नौजवानों पर जो मुकदमा हुआ है या कई कोचिंग सेंटरों को तबाह किया जा रहा है, तंग किया जा रहा है, उन सब का मुकदमा वापस ले और जेल से रिहा करें। ये जितने बच्चे थे ज़्यादातर वो बच्चे थे जो भारत माँ का सेवा करना चाहते थे, जान निछावर करना चाहते थे, उनमें असंतोष की भावना जगी सरकार के प्रति कि भाई उनको मौका नहीं मिलेगा, केवल 4 साल ही मौका मिलेगा और 4 साल के बाद क्या होगा, ये चिंता थी। हिंसा नहीं होना चाहिए ये हम बार बार दोहराते हैं और हिंसा से कोई रास्ता भी नहीं निकलता है, लेकिन माहौल ऐसा उत्पन्न हुआ, लोगों में घोर निराशा थी सरकार के प्रति जो झलका। वो कोई क्रिमिनल तो थे नहीं, कोई हैबिचुअल क्रिमिनल तो नहीं थे जो आप जो हो इतनी कड़ा सज़ा दी जाए जिसमें बेल भी ना हो पाए, तो वो आखिर उस नौजवानों का भविष्य क्या होगा, वो किनके बच्चे हैं, बिहार के बच्चे हैं, भारत माँ के बच्चे हैं, उनका बस यही अपराध है कि वो सेना में जाना चाहते हैं पूरी ज़िंदगी के लिए और आप जो हैं उनको लिमिट कर रहे हैं, यही गलती है। मतलब आज भाजपा की सरकार में, NDA की सरकार में जो भारत माँ का सेवा करना चाहता है, जो भारत माँ का सुरक्षा करना चाहता है, आप उसको जेल में बंद कर रहे हो, ये कहाँ का न्याय है, ये कौन सी देशभक्ति है? अगर इतना ही आपको योजना पसंद है अग्निवीर का, तो आप खाली सैनिक पे क्यों लागू कर रहे हो, अधिकारियों पे लागू करो। और ऐसा कौन सा डर है और क्या हो जाएगा अगर सब विपक्षी दलों को या सभी दल को,
सत्ता पक्ष के भी दलों को अगर पाँच पाँच मिनट अगर मौका मिल जाए तो, और इसमें हम लोगों को भी तो पता चल सके कि नीतीश कुमार जी का बिहार के मुख्यमंत्री का क्या स्टैंड है, क्योंकि सवालों के घेरे में, गंभीर सवालों के घेरे में मुख्यमंत्री को भी घेरा गया, वो भी कोई और नहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने, प्रशासन होम मिनिस्टर नीतीश कुमार जी है, और जायसवाल जी का था कि पुलिस के सामने जो है भाजपा के दफ्तरों को आग लगाया गया। उनका ये कहने का ताल्लुक था कि प्रशासन अपना काम नहीं कर रहा, प्रशासन जो है अगजनी की छूट दे रखा है, यानी साफ साफ इंजाम जो था वो बिहार के मुख्यमंत्री पर लगाया गया, और खामोशी और चुप्पी से तो कुछ होने वाला नहीं। लेकिन इसमें तो कम से कम सही प्लेटफॉर्म तो यही है ना, बिहार विधानसभा, या मुख्यमंत्री का भी राय पता चल सके कि भाई वो क्या चाहते हैं। इस प्रस्ताव से उनको भी मौका मिलता अपनी बात को रखने का, सब दलों को मिलता, ज्यादा से ज्यादा 5 बजे तक हाउस चलता, 5:30 बजे तक चलता, लेकिन हाउस तो ढंग से चलता। तो हम लोगों को लगता अब अविश्वास जो आसन के प्रति हम लोगों का बनता जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन हम लोग मजबूर हैं। अविश्वास जब हम लोगों के मन में हो रहा है तो हम लोग ही नहीं पैदा कर रहे, बल्कि आसन को जो करना चाहिए वो नहीं कर पा रहे हैं। साथ लेकर के चलना, मौका देना, एक तरफा होता है, ब्लंटली होता है, प्रस्ताव देने से पहले ही खारिज कर दिया जाता है, प्री माइंडेड होते हैं, तो इसलिए हम लोगों की बात को तो सुना नहीं गया। तो हम लोगों ने निर्णय लिया है कि जब लोकतंत्र के मंदिर में, उसी मंदिर में जब विधायकों की पिटाई हुई थी, अब बात नहीं सुनी जा रही, सभी विपक्षी दलों को 5 मिनट भी अगर बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है, कोई मतलब नहीं है, कोई सवाल का जवाब नहीं आता। तो हम लोग सब लोगों ने निर्णय लिया है कि जब तक हमारे प्रस्ताव को मंजूर नहीं करेंगे, बहस कराना नहीं कराना, अगर ना भी कराए, प्रस्ताव को मंजूर भी ना करें, तो कम से कम 5-5 मिनट सब दल के लोगों को मौका दे दे अपनी प्रतिक्रिया देने का, बात को रखने का। कई लोगों की उम्मीद है, हम लोग जनता उम्मीद लगाए बैठी कि हम लोगों के लिए क्या पूछ रहा है, अगर बोलने नहीं दिया जाएगा तो हाउस जाने का क्या मतलब है, जब आपको पहले से ही सब कुछ तय कर लेना है तो हम लोगों का क्या काम है, फिर तो विधानसभा का कोई मतलब नहीं रह जाता। तो हम लोगों ने निर्णय लिया है कि 2 बजे से जो सत्र शुरू होगा, इसका हम लोग सभी विपक्षी दल के जितने सदस्य हैं सभी लोग हाउस का बहिष्कार करेंगे, और कल फर्स्ट हाफ में हम लोग कर्पूरी जी के, ठाकुर जी के प्रतिमा के समक्ष हम लोग जो है धरना देंगे, सभी विधायक विपक्षी दलों के। सैनिक तो अपना काम करते ही हैं, लेकिन जो बड़े अधिकारी हैं उन पे भी लागू होना चाहिए फिर, अगर आपको तो नहीं अच्छा लग रहा है तो। इसमें तो पूरा योजना के बारे में ये भी नहीं बताया कि छुट्टी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, जैसे मिलता था, कैंटीन की सुविधा मिलेगी कि नहीं मिलेगी, उनके चिकित्सा का ख्याल रखा जाएगा कि नहीं रखा जाएगा, पेंशन जो ग्रेजुटी होती है उसका क्या होगा, कुछ पता ही नहीं है आपको। तो इसलिए ये मसला था, गंभीर मसला था, और हम लोगों को उम्मीद थी कि स्पीकर साहब जो हैं विपक्ष के लोगों को भी संरक्षण देंगे, क्योंकि स्पीकर जो होता है किसी दल का नहीं होता जब आसन पर बैठ जाता है तो, और उसको जो है पक्ष और विपक्ष दोनों को मौका देना चाहिए, साथ लेकर के चलना चाहिए। और हम लोग तो चाहते हैं हाउस चले, सारे सरकार के बिजनेस जितने हैं सब लोग, कई बार हम लोगों ने पास कराया है, कर भी रहे, हर बिजनेस में हर चीज़ में पार्टिसिपेट करना, लेकिन जब मामला नौजवानों का है और लाखों लोगों का है, छात्रों का भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, तो हम चुप कैसे रहें।
और आप जो हो इस लोकतंत्र के मंदिर में हमको एक मौका भी नहीं दे रहे हैं 5 मिनट अपनी बात को रखने का। जब बिहार विधानसभा में लोकतंत्र के मंदिर में अगर हम लोगों को जो विपक्ष की संख्या भारी है हर तरीके से जो है कम नहीं है, तब भी आप जो है तानाशाह रवैया अपना करके 5 मिनट मौका नहीं दे सकते। अब आप बताइए हम क्या करें। शांतिपूर्ण ढंग से जब हम लोग कोई बात करते हैं ये समझते नहीं है, यानी ये बार बार चाहते हैं, मजबूर करते हैं ताकि हंगामा हो। और हम लोग क्या चाहते हैं कि हाउस ना चले। अगर हाउस चलेगा नहीं तो हम बोलेंगे कैसे। हम तो बोलना चाहते हैं, और जब बोलना चाहते हैं तो इसका मतलब है हाउस चले। हम चाहते हैं चलना चलाना, लेकिन कौन लोग हैं जो नहीं चलाना चाहते। नहीं नहीं, हम लोगों की अपेक्षा थी, उम्मीद थी कि इसमें बिहार में मुख्यमंत्री अपने राय को स्पष्ट करें। कई राज्यों के मुख्यमंत्री जैसे अशोक गहलोत जी ने और पूरे राजस्थान की कैबिनेट ने प्रस्ताव पारित किया है, भारत सरकार को भेजा है, जैसे अग्निपथ को लेकर। और हम लोग जब ये कोई इशू नहीं है मेरा प्रस्ताव रखने का, जब बोलते हैं ये लोग ना कि यहाँ का इशू नहीं केंद्र का इशू है, तो कास्ट सेंसस कौन सा इशू था? वो बिहार का इशू था, वो तो केंद्र का था, लेकिन 2 बार सर्वसहमति पारित हुआ। ये दोहरा चरित्र है भाई, तो ये सब गलत बात। कौन बोल रहा है? अरे भैया, आप लोग जिन जिन लोग का इंटरव्यू लेते हैं, ऐसे ऐसे मंत्रियों का इंटरव्यू लेते हैं कि उस स्कीम का नाम भी नहीं जानते। अग्निवीर है, और आप लोग सब लोग तो देखे ही हैं सुने, जो नाम ना बता पाए वो उसके बारे में क्या बता पाएगा। ये तो अद्भुत है ना। अरे ये लोग तो मन में स्पष्ट हो ही ना गया कि भाजपा कार्यालय आएगा सब लोग 4 साल बाद। मतलब अंदर जाके बैठी या बाहर जनता के आवाज़ को गरमाइए, अंदर तो सुनी नहीं जा रही, तानाशाह रवैया है। 5 मिनट नहीं बोलने का मौका दे रहे तो हद है ना, कहाँ बात रखेगा अपना। आप यहीं रहिए ना, जब वहाँ जाइएगा तो हम लोग मिलेंगे तो बात करेंगे।